आप मेरे से बात मत करिए। क्यों नहीं? मेरा सामने ही घर है। तुम कितने भाई बहन हो? नहीं हूँ अकेली। तो आज स्कूल क्यों नहीं गए आप? सुनो आप रो मत, ठीक है? मम्मी नहीं है तो क्या हो गया, पापा है ना तुम्हारे। ये लो कुछ पैसे रख लो, गीता की मम्मी तो ख्याल रखेगी ना। रह लोगे हम लोगों के साथ? बताओ। मैं आपको क्यों बताऊं? हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राहुल के प्रैंक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राहुल सिंह, दोस्तों ये है अभिरंजन सिंह। और हम लोग जा रहे थे कहीं, तो हम लोग रास्ते में रुके थे थोड़ा, क्योंकि कुछ काम था, समझ ही सकते हैं लोग आप लोग। तो रुका तो देखा कि एक लड़की मतलब यहाँ पे पढ़ रही है। थोड़ा दिखा दो भाई, थोड़ा कैमरा दिखा दो। नीचे मतलब ये रोड के नीचे, हाईवे के नीचे हाँ बैठ के पढ़ाई कर रही है। और अगल बगल पूरा पानी भरा हुआ है। पानी नहीं है, ये बाढ़ का पानी है। अच्छा, ये बाढ़? हाँ, इधर दिल्ली में बाढ़ भी आया था और उसी का शायद ये पानी होने लगा है। तो हम सोचे कि यहाँ पे ये लड़की स्कूल आज नहीं गई है और यहाँ पे आके मतलब अपना पढ़ाई कर रही है। स्कूल जाना चाहिए क्योंकि टाइम पास करने से कुछ होगा नहीं। स्कूल में जो शिक्षा मिलेगा वो बाहर अकेला बैठ के क्या मन नहीं लगेगा ऐसा पढ़ाई करने से। तो हम सोचे कि बात करते हैं उससे कि क्यों नहीं गई स्कूल। तो हम चलते हैं, मैं हूँ और रविरंजन है साथ में, तो चलते हैं। आ जाओ बाबू, ध्यान से आना क्योंकि बहुत फिसलन है, नीचे जाने में दिक्कत हो सकती है। आराम से आना बाबू, आराम से आना लोग। तो देख सकते हैं इधर में एक लड़की जो है यहाँ पे, बाबू ये बताओ, मैं इधर से आया तो आपको देखा, आप यहाँ पे पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप जाइए यहाँ। नहीं, क्या बात हुआ मतलब, आप बताओगे तब ना कि यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो और ये रोड के बिल्कुल किनारा, आप स्कूल क्यों नहीं गए जो मतलब यहाँ पे आप आके पढ़ाई कर रहे हो? तो मैं देखा कि मतलब यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्यों, स्कूल क्यों नहीं गए आप? आप मेरे से बात मत करिए। क्यों नहीं? मेरा सामने ही घर है। सामने घर है? ये वाला, ये सामने बाबू दिखाना इधर। घर लग रहा है कि बाढ़ में ये। जूम करके दिखाना थोड़ा, ये वाला जो, मतलब जो ये टूटा हुआ है वही है घर तुम्हारा? बाढ़ में ये हो गया ना घर। ये टूटा कैसे है? बाढ़ की वजह से। अच्छा, ये जो पानी होने आया है दिखा सकते हैं इधर, ये सब कुछ पानी होने आया था इधर, पूरा ये सब भरा हुआ था पानी से। तो ये तुम्हारा घर है? जी। तो घर तो यहाँ पे, घर तो आपका टूट गया, तो कैसे रहते हो? रेडी वेडी चलाते थे पहले, अब तो कुछ भी नहीं रहा। कौन चलाता था? पापा, मैं। पापा और तुम मिलके चलाते थे और स्कूल जाते थे तुम? क्या चलाते थे? रेडी मतलब कुछ नहीं होता है, ठेला वाला पे कुछ सामान उमान बिकता है या कुछ ऐसा, शायद यही कुछ हो सकता है। तो आज स्कूल क्यों नहीं गए आप बताओ? मैं आपको क्यों बताऊं? देखो बाबू आप डरो मत, देखो मैं आपको देखा इधर से जा रहा था तो मैं आपको देखा कि आपसे सोचा कि बात कर लूं, अगर आप बताओगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो हम चले जाएंगे। लेकिन आपको देखे ना कि यहाँ पे अकेले बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो। पापा आपके कहाँ हैं? पापा को आप बुला सकते हो? वो तो सुबह से ही नहीं है। कहाँ गए हैं सुबह से, काम करने? नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ गए हैं। दोस्तों के साथ गए हैं? कहाँ गए हैं? तो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते हैं? तुम कितने भाई बहन हो? नहीं हूँ अकेली। और मम्मी क्या करती है? मम्मी एक्सपायर हो गई। मम्मी एक्सपायर हो गई कब? जब मैं छोटी सी थी। अरे यार कोई नहीं बेटा, आप रो मत, ठीक है? सुनो आप रो मत, ठीक है? मम्मी नहीं है तो क्या हो गया, पापा है ना तुम्हारे, सब कोई पापा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ये बताओ कि मतलब तुम स्कूल आज क्यों नहीं गई, बस हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आज तुम स्कूल ड्रेसअप में हो और स्कूल भी नहीं गई हो, बस यही पूछने के लिए आए हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। पैसे नहीं है बिल्कुल भी, मेरे पापा तो कमाते नहीं। पापा नहीं कमाते हैं? पहले कमाते थे, अब क्या करते हैं पापा? ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हैं? पहले थोड़ी करते थे, अब तो ज़्यादा। अब ज़्यादा करते हैं मतलब? क्या बताऊँ मैं, मतलब
सुनो, आप रो मत बेटा, जिंदगी में सब। आप पढ़ाई करना चाहते हो? आप स्कूल गए थे आज कि नहीं? हाँ या ना? नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे स्कूल? क्यों नहीं गए थे? घर के काम करने पड़ते हैं। वो घर के काम करने पड़ते हैं, लेकिन बेटा स्कूल भी जरूरी है ना, ये जानते हो ना, स्कूल भी जरूरी है आपको। घर में तो काम जिंदगी भर अपना ही है। ये बस मैं पूछना चाहता हूँ, स्कूल क्यों नहीं गए बेटा आप? स्कूल क्यों नहीं गए? प्रिंसिपल ने तो पहले ही मना कर दिया कि फीस तो मिली नहीं थी, इसलिए। तुम्हारे प्रिंसिपल को फीस नहीं मिला था तो निकाल दिया। क्या बोले प्रिंसिपल ने? क्या बोले? मैंने अपने पापा को भी नहीं कहा। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं? पापा को तो बताना चाहिए, पापा कहीं से जुगाड़ करके देंगे, जुगाड़ करके कहीं से तो कहीं से देंगे। तो उनका काम है ना? दोस्तों से लेकर दें या जिससे भी लेकर दें। वो ड्रिंक करते रहते हैं, उठा के लाती हूँ उन्हें रात में। अच्छा, वो ड्रिंक करते हैं, उठा के तुम उन्हें लाती हो? तो तुम्हें बाबू पढ़ाई करना है। रविरंजन जी, अगर इसे इसके पढ़ाई करवाया जाए, लेके मतलब अपने पास रख के इसे पढ़ाई, ये बताइए टूटी जो यहाँ पे कोई नहीं रहता, तुम और पापा रहते हैं? पापा रोज आते हैं कि कभी कभी गायब रहते हैं रात भर? कभी कभी गायब, गायब रहते हैं। इसको रखेंगे कहाँ? आप ये बोल रहे हैं इसके पापा से बात? सुनो, अंकिता के साथ रहेगी, अंकिता के घर पे रह जाएगी। ये भी सही है, अंकिता की मम्मी तो ख्याल रखेगी ना। रहोगे हम लोगों के साथ? बाबू आप मेरे साथ, मैं आपका स्कूल में चल के फीस भर दूंगा जो भी है। आप पढ़ाई करना चाहते हो? सुनो, आपके पापा तो अगर ऐसे बोल रहे हो कि पीते खाते हैं तो उन्हें तो नहीं ले जा सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे अगर पढ़ना है तो बस मेरा यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर घर है मेरा, वहाँ पे आप चाहो तो रह सकते हो। अंकिता नाम की एक मेरे साथ टीम में लड़की है और हम लोग काम करते हैं साथ में सब कोई, तो उनके साथ तुम बेटा पढ़ाई भी कर सकती हो, उनके साथ रह भी सकती हो अच्छा से, मतलब तुम्हारा सब अच्छा से चलेगा, ठीक है? और पापा से मिलने के लिए हम लेते आएंगे लोग, कोई भी हमारे टीम के लड़का या लड़की आपको लाके पापा से आपको मिलवा देंगे। आप चलोगे? आपके पापा से मैं बात करूं? जी। कहाँ पे अभी आपके पापा मिलेंगे? पता नहीं, अभी पता नहीं है। इस बेचारी की तो और जिंदगी में क्या बताया जाए यार, मम्मी है नहीं और पापा का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों आप लोग भी थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि मैं तो जब इस लड़की के पापा से बात करूंगा उसके बाद ही मतलब जो भी होगा हम ले जाएंगे इन्हें, क्योंकि ऐसे नहीं ले जा सकते हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अंकिता के साथ रखे या ना रखे, उसके साथ रहेगी तो लड़की पढ़ भी लेगी और कितनी छोटी सी है और मतलब क्या बताएं कि मतलब मम्मी है नहीं और इनके जो फादर हैं वो ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, इधर उधर गिरे रहते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस लड़की को अगर या कोई अगर रखना चाहे तो रख सकता है अपने पास, अच्छे से ख्याल कर सकता है, किसी को एक को पढ़ा देने से क्या कुछ कम नहीं हो जाता है? कितना 4,000-5,000 जो भी महीने का फीस होगा बस उतना लोग घूमने पे मतलब घूमने में उड़ा लेता है, मौज मस्ती में एक दिन एक घंटे में ख़त्म हो जाए तो समझो कि एक बच्चे का मतलब भविष्य भी सही हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि मतलब अगर किसी को रखना हो तो इस बच्ची को कोई रख सके, या अगर नहीं रखना है तो कमेंट में ज़रूर मतलब एक सुझाव मिले कि हाँ इसे क्या करना है, तो आप लोग बताइएगा। मैं इसके फादर से सोचा हूँ बात करने के लिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसके फादर से बात करूँ या ना करूँ। तो बाबू यहीं घर है, यहीं पे रहते हो और दिन भर यहाँ पे पढ़ाई करते हो? कोई नहीं, आपके फादर आएंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है? हम अभी जा रहे हैं, और नहीं तो अगर अभी चलना है तो आप चल सकते हो कि फादर से आपके बात करके ले चले, आपके पापा से बात करके। ठीक है बेटा, हम लोग जा रहे हैं, आपके जब भी फादर आएंगे तो हम शाम तक यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से शाम तक यहाँ पे रहेंगे ना तुम्हारे पापा, तो हम शाम को आएंगे, ठीक है? चलिए रविरंजन जी। शाम को तो पिए रहते हैं दादा से। अरे कोई नहीं, तो बात हो जाएगी। ये लो बाबू, तुम कुछ पैसे रख लो, ये लो कुछ पैसे रख लो, ठीक है? चले चलो, आ जाओ बाबू, बताइए कितना दिक्कत है इसे।